हाय दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है सिद्धार्थ बिमानी। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं अबाउट एक्सिस का जो लेटेस्ट क्रेडिट कार्ड लॉन्च हुआ है, और वो है एक्सिस एयरटेल क्रेडिट कार्ड। दोस्तों, एक्सिस जो है वो 500 रुपये के रेंज में क्रेडिट कार्ड निकालते ही जा रहा है। मतलब मुझे लग रहा है कि उनका जो 500 रुपये वाला जो डिपार्टमेंट है वही काम कर रहा है, बाकी जो 5,000, 10,000, 50,000 वाला जो डिपार्टमेंट है वो मेरे हिसाब से बस टाइम पास कर रहा है। बट 500 रुपये के क्रेडिट कार्ड में एक्सिस ने इतने सारे क्रेडिट कार्ड निकाले हैं, एक्सिस फ्लिपकार्ट, एक्सिस नियो, एक्सिस माइजोन, एक्सिस एस, एक्सिस एयरटेल। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि एक्सिस बैंक जो है वो सैमसंग का टेक्निक यूज़ कर रहा है। वो 20,000 से 40,000 के बीच में इतने मोबाइल निकाल दिए उन्होंने कि बंदा जब जाएगा तो एक तो फिक्स रहेगा कि वो सैमसंग ही खरीदेगा। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि एक्सिस बैंक जो है ये 500 रुपये के कैटेगरी में काइंड ऑफ नंबर वन होना चाहता है। तो दोस्तों, आज मैं उसका जो न्यूली लॉन्च्ड क्रेडिट कार्ड है वो उसके बारे में बात करने वाला हूँ, और बताने वाला हूँ कि मुझे ये क्रेडिट कार्ड कैसा लगता है, और उसका आगे कि कौन से लोगों को ये क्रेडिट कार्ड लेना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों, एक्सिस का जो एयरटेल क्रेडिट कार्ड है, सबसे पहले तो उसमें आपको वेलकम बेनिफिट मिलता है। 500 रुपये का आपको अमेज़ॉन वाउचर मिलता है उसमें। तो कहीं ना कहीं ये फर्स्ट ईयर फ्री वाली बात हो गई कि आपने 500 रुपया दिया, आपको 500 रुपया वापस मिल गया अमेज़ॉन के वाउचर के थ्रू। दूसरा दोस्तों, इसके जो मेन हाइलाइट्स है वो है कैशबैक्स। बट ये बड़े बड़े कैशबैक के परसेंटेज इन्होंने डाले हैं, 25%, 10%, बट इसमें कैपिंग डाल दी है। तो आप अगर कैपिंग डाल देते हैं तो फिर ये इसका जो कैशबैक का जो मज़ा है वही चला जाता है, क्योंकि बाहर मार्केट में इतने सारे कैशबैक्स वाले कार्ड है जिसमें कैपिंग नहीं है। जैसे अमेज़ॉन पे है या RBL जोमैटो है, इसमें कुछ कैपिंग नहीं है। मतलब आप कितना भी फूड ले लो पूरे महीने में तो भी आपको 5% कैशबैक मिलेगा ही मिलेगा डाइनिंग में, और अमेज़ॉन से आप कितना भी शॉपिंग कर लीजिए तो भी आपको 5% कैशबैक मिलेगा अनलिमिटेड। तो कहीं ना कहीं ये कैपिंग वाला जो चक्कर इन्होंने डाला है ये मुझे सही नहीं लगता है। इनफैक्ट भले ये कैपिंग भी ऑलमोस्ट मतलब एक कॉमन मैन के लिए प्रॉपर है, बट फिर भी अगर आप कैपिंग डाल रहे हैं तो मेरा तो इंटरेस्ट उसमें से चला जाता है। बट चलो, आपको मैं फिर भी बताता हूँ कि आगे इसमें क्या क्या कैशबैक्स है। पहली बात तो 25% कैशबैक है अगर आप एयरटेल का कोई भी बिल भरते हैं, एयरटेल का ब्रॉडबैंड भरते का बिल भरते हैं, DTH का बिल भरते हैं एयरटेल के थैंक्स ऐप के थ्रू। तो मेरे पास दोस्तों एयरटेल ब्लैक है, जिसमें मैंने मेरा पूरे घर का वाईफाई और 3 नंबर्स और केबल, ये सारी चीज़ एक में ही फैमिली पैक में, उसको एयरटेल ब्लैक बोलते हैं, उसमें मैंने वो डाल दी है। तो अगर मैं वो 2,500 का इसमें से भरूँगा तो मुझे 25% उसमें कैशबैक मिलेंगे। दूसरा दोस्तों, इसमें जो नेक्स्ट है कि 10% कैशबैक मिलता है अगर आप यूटिलिटी बिल्स भरते हैं इसमें से एयरटेल थैंक्स ऐप में से। उसके बाद 10% कैशबैक मिलता है अगर आप जोमैटो, स्विगी या बिग बास्केट से शॉपिंग करते हैं, और 1% कैशबैक मिलता है बाकी सारे स्पेंड्स के लिए। अब दोस्तों, इसमें इन्होंने पर कैटेगरी वाइज कैपिंग डाली है। तो एयरटेल का जो बिल है उसमें 300 रुपीज़ की मंथली कैपिंग है, फिर ये जो अपना यूटिलिटी बिल्स है उसमें 300 की कैपिंग डाली है, और जोमैटो, स्विगी, बिग बास्केट है उसमें 500 की कैपिंग डाली है। अब इसको मैं थोड़ा सा आपको ब्रेक करके बताता हूँ। अगर आपको 300 रुपीज़ की कैपिंग मैक्स आउट करनी है तो आपका जो मंथली बिल है वो 1200 से 1300 रुपये के आसपास अगर रहेगा तो आपको ये 300 रुपीज़ की जो है वो कैपिंग हो जाएगी। तो ये कार्ड उन लोगों के लिए, अगर आपकी स्विगी, जोमैटो, बिग बास्केट से मंथली 10% के हिसाब से अगर आप कैपिंग 500 है तो 5,000 की अगर आप शॉपिंग करते हैं तो आपको 10% मतलब 500 मिलता है। तो अगर आपकी जो मंथली स्पेंडिंग है वो अराउंड 10,000 रुपये के आसपास
लमसम 10,000 के रुपए के आसपास लमसम है इन डिफरेंट कैटेगरीज, तो आप इसके जो कैशबैक है इसको मैक्स आउट कर सकते हैं। और ये मैक्स आउट मतलब 300-300-500, तो 300-300-500 हो जाती है अराउंड 1100 रुपया आपको हर महीने ये कार्ड में से मिल सकता है अगर आप इसका आपका जो जो मंथली स्पेंडिंग है वो 10,000 रुपये के आसपास है ग्रोसरीज बिल्स और बाकी यूटिलिटीज़ में। और बिल्स में भी आपको जो मैक्स आउट करना है आपको एयरटेल का ही लेना पड़ेगा, तो अगर आपके पास वाईफाई हैथवे का या जियो का या किसी और का है तो आपको 25% नहीं मिलेगा। आपका जो मोबाइल है वो वोडाफोन या जियो का है तो 25% नहीं मिलेगा। तो ये कार्ड बेसिकली मेरे हिसाब से मैं ले सकता हूँ क्योंकि मैं बिग बास्केट से ही ऑर्डर करता हूँ, मैं हर महीने जोमेटो स्विगी से ही ऑर्डर करता हूँ, मेरा एयरटेल का ही सारा पूरे घर का कनेक्शन है। बट फिर भी ये कार्ड मैं नहीं लेने वाला हूँ क्योंकि मेरे पास इतना सारा कार्ड्स है और यही सारी चीज़ों के लिए मैंने अलग अलग कार्ड लिया है और फिर और एक कार्ड लेना, तो मेरे हिसाब से ये कार्ड मैं पास कर दूंगा। और मेरा एक्सिस बैंक जो है हम शायद मुझे उन्होंने ब्लैकलिस्ट जोन में डाल दिया है क्योंकि मैं हर एक कार्ड एक्सिस बैंक का अप्लाई करता हूँ और वो रिजेक्ट हो जाता है। खैर मैंने अभी एक्सिस सिलेक्ट कार्ड जो मेरा एड ऑन कार्ड था वो मैंने बंद कर दिया है, तो मैं अभी एक 5-6 महीने के बाद एक्सिस का कोई अच्छा क्रेडिट कार्ड वापस अप्लाई करने वाला हूँ जो मुझे ये सारी बेनिफिट्स दे सके। दोस्तों इसकी जो एलिजिबिलिटी है, एलिजिबिलिटी में कोई मेजर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिख नहीं रहा है मुझे, सिंपल है। आपका एयरटेल थैंक्स ऐप में अगर आपको इनवाइट आया है तो आप ये क्रेडिट कार्ड यूज़ कर अप्लाई कर सकते हैं। इन शॉर्ट आपके पास एयरटेल के कोई भी सर्विसेज है और आप उसको रेगुलरली यूज़ कर रहे हैं तो आपको ये कार्ड का इनवाइट 100% आ जाएगा। इसकी फ़ीस जो है मैंने पहले ही बोल दी है, 500 रुपीज़ पर ईयर की फ़ीस है और सेकेंड ईयर की फ़ीस भी 500 रुपीज़ है, बट अगर आप 2 लाख रुपीज़ स्पेंड करते हैं ईयरली तो फिर आपको इसकी फ़ीस वेवर हो जाती है। तो दोस्तों ये था एयरटेल एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड। मैं तो नहीं लेने वाला हूँ ये कार्ड क्योंकि मेरे पास बहुत सारे कार्ड है और मैं आपको सच बोलता हूँ तो कोई भी कार्ड आप ले लीजिए कहीं ना कहीं तो वो आपके लाइफ में फ़िट हो ही जाता है, तो कभी ना कभी तो आपको एक डिसीजन बनाना ही पड़ेगा कि कौन सा कार्ड रखना है और कौन सा कार्ड पास होना है। बट अगर आपके एयरटेल बिग बास्केट और यूटिलिटी से 10,000 की मंथली हो जाती है तो ये कार्ड आपके लिए बेस्ट है क्योंकि ये एयरटेल स्पेसिफिक है और इसकी जो फीस है ये 500 रुपीज़ ईयरली है और इसमें से आप पर मंथ 1100 रुपया एक्सट्रैक्ट कर पाओगे, तो आपको साल भर का नहीं तो 10,000 रुपये का ये कार्ड में से फ़ायदा हो जाएगा। तो बस दोस्तों ये था मेरा रिव्यू एयरटेल एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड के बारे में। अगर आपको और कुछ बताना हो, कमेंट करना हो इसके ऊपर, तो प्लीज़ मेरे कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और बट ऑब्वियस कमेंट्स करिए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाय बाय, थैंक यू।